हकीकत में अरबी जो जुबान है ना, मैं हमेशा कहा करता हूं बड़ी वसी जुबान, बड़ी गहरी जुबान, बड़ी खूबसूरत जुबान और हमेशा रहने वाली जुबान। कामिल जुबान, अकमल जुबान, अफजल जुबान, अहसन जुबान, और मरने के बाद पता चलेगा सबको कि मरने के फौरन बाद अल्लाह तबारक व तआला हर इंसान की लैंग्वेज चेक कर देते हैं। और आई मोहल्ले में बहुत आती नहीं आती आती है नहीं आती है तो बोलो मैं भी बेंगलोर से यहां तक सेटल हो जाता। आती नहीं आती हजरत अच्छे मोड़ में मैं कहीं को मौत का जिक्र करें। हजरत अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमाती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो रोजाना 20 मर्तबा मौत को याद करेगा अल्लाह तबारक व तआला कल कियामत में उसे शहीदों के साथ उठाएंगे। सिर्फ 20 मर्तबा याद करे तो भी मौत आना, याद नहीं करे तो भी मौत आना, डरे तो भी मौत आती, नहीं डरे तो भी मौत आती। कोई मौत से आज तक बचा है? मुकाबले में दौलत हो तो दौलत नाकाम हो जाती है, मुकाबले में ताकत हो तो ताकत नाकाम हो जाती है, मुकाबले में हुकूमत हो तो हुकूमत नाकाम हो जाती है, मुकाबले में इल्म हो तो इल्म नाकाम हो जाता है, मुकाबले में अमल हो तो अमल नाकाम हो जाता है। तारीख में मौत ही जीती है, उसके मुकाबले में ना आज तक कोई आया ना आइंदा के लिए आएगा। जब आ जाती है मौत जब मौत आ जाती है एक साथ भी न पहले न एक साथ बाद मौका देती साथ का तर्जमा मैंने किया साहब कुरान में है तो मैंने साहब क्योंकि साहब के भी कई माने आते हैं। एक माना साहब का कियामत का यस अनुकम नासवानी साहब ए पैगंबर आपसे लोग पूछेंगे कि कियामत कब आने वाली है, आप कह दीजिए कुल इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाह इसका इल्म तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के पास है। साहा का तर्जमा किया अरे बात समझ में अरे बोलो रे बात कब आए नहीं पता नहीं। 2012 में अंग्रेज एक छोटा छोड़िया वहां पे अमेरिका से संसदार के छोड़ना छोड़े 2012 में याद होगा आपको, मुझे तो याद है 2011 से वो झूठ शुरू हुआ, 2012 तक चलता रहा। जब वक्त पार हो गया तो सब झूठ बोलने वाले गायब हो गए। क्या कि 2012 में दुनिया खत्म होने वाली है और वो बात को गैर मुस्लिम भरोसा करे तो करे, कोई मुसलमान भी भरोसा करने लगे और उलमा से फोन करने लगे, मक्के भी एक साहब फोन करे हजरत क्या हजरत 2012 को खयामत आ जाती कहते ना, मैं बोला हाउ बात इतनी क्रमति तेरी है मेरे नाम कर दा।
قیامت تو آنا ہے, اتنی جلدی بھی آنا نہیں, ابھی حضرت امام مہدی آنا ہے, حقیقت میں داخل ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنا ہے, حقیقت میں داخل ہے. ساری دنیا کے اندر اسلام کا پرچم لہرانا ہے, حقیقت میں داخل ہے. پورے عیسائی اسلام قبول کریں گے, حقیقت میں داخل ہے. خدا کے کریم کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تسلیم معجزات دکھائیں گے, حقیقت میں داخل ہے. اور افسوس کے یہودیوں کو اس وقت بھی ایمان نصیب نہیں ہوگا, حقیقت میں داخل ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کا خاتمہ کریں گے, حقیقت میں داخل ہے. اور خدا کی قسم ساری دنیا میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا جو اللہ کا انکار کرنے والا ہوگا. ساری دنیا میں مشرق سے لے کر مغرب تک, شمال سے لے کر جنوب تک اسلام کی حکومت ہوگی, عدل کی حکومت ہوگی, انصاف کی حکومت ہوگی, اللہ کے دعوت کی واقفیت ہوگی, سب عارفین ہوں گے, ساری دنیا میں اسلامی اسلام ہوگا. اس کے بعد حضرت مہدی علیہ السلام کا بھی انتقال ہوگا, عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہوگا. اس کے بعد علماء کرام نے احادیث کو رکھ کر بیان کیا ہے, 40 سال دنیا اور آگے بڑھے گی. بعضوں نے کہا کہ 80 سال دنیا آگے بڑھے گی, بعضوں نے کہا کہ 120 سال دنیا آگے بڑھے گی. اس کے بعد جا کر بھی ہم بتائے, لیکن آئے گی زمین. اور اگر کوئی قیامت کا انکار کرتا ہے, بھی اتفاق علماء کا فرمان ہے کہ وہ ایمان سے باہر ہے. اسی لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مدرسے کے اندر پڑھا دیا جاتا ہے, آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت والیوم الآخر, آخری دن. دنیا کا بھی ایک دن آئے گا جو آخری ہوگا, اس سے پہلے کوئی دن آخری نہیں. ہمارے بیٹوں میں بولتے ہیں پتا آخری چاشمبا, کیا نہیں آتا, نہیں آتا ہے, یہ عقیدہ ہے یار, آخری چاشمبا. یہ وجہ اس کے بعد منگل کے بعد فوراً جنرا تازہ کر جاؤ. ایک عورت فون کرے آخری چاشمبے کے دن صبح کو, مجھے آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے, حضرت میں آج نہا سکوں کیا؟ میرا کیوں نہیں تو مجھے بھی پوچھے. ایسے سوال اگر ہمارے بیگم سن لیا تو میرا پمپٹ جاتا. تو نہا ہے, تو نہا. جب بھی آدمی کا بات ہوتا ہے تو نہانے کا کوئی سوال نہیں ہے. اسی لیے میں ڈنڈے کی چوٹ میں کہتا ہوں کہ ہمارے 13, 14, 15, 16, 17, 18 یا 20, 22, 25 سال کے نوجوان لڑکے یا لڑکیاں گھروں کے اندر گرمی کا موسم ہو کہ سردی کا موسم ہو, اگر وہ ڈھانا چاہتے ہیں تو ماں باپ ان کو ڈالو کے, ہاں البتہ یہ کہیں کہ جلدی ڈھا کے آ جا. سارا سمجھ لیا میرا؟ ابھی میں عنوان شروع نہیں کیا, یہ عنوان آپ کے سامنے پیش کرنا ہے, مقدمہ بیان کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. ہمارے بچے اگر نہانا چاہتے ہیں, غسل کرنا چاہتے ہیں صبح کو اٹھ کر, کسی کو روکنے کی ضرورت نہیں. سردی بار ڈھانے کو پانی نہیں ہے, باہر ڈھانے کو کئی کو بار بار ڈھانتے ہیں. ان کے بھی کچھ جسمانی تقاضے, جوانی کے تقاضے ہوتے ہیں, وہ بولنے سے شرماتے ہیں, باپ کے سامنے اپنا تقاضا بیان نہیں کر سکتے, باپ کے سامنے اپنا تقاضا بیان نہیں کر سکتے, گھر کے بڑوں کے سامنے اپنا تقاضا بیان نہیں کر سکتے. اور غسل یہ کیسی چیز ہے, اگر پیشاب پاخانے کی ضرورت ہے وہ کہیں باہر جا کر مسجدوں میں گھس کر بھی پورا کر لے سکتے ہیں, لیکن غسل خانے تو عام طور پر بنے ہوئے نہیں رہتے. اگر وہ باہر جا, اگر گھر کے اندر غسل نہیں کریں گے تو پھر باہر جا کر کہاں غسل کریں گے؟ اس لیے کسی باپ کو اختیار نہیں کہ وہ بچوں کے غسل پر روک لگائے, کسی ماں کو اختیار نہیں کہ وہ بچوں کے غسل پر اختیار کرے. میں کچھ اشاروں کے ساتھ گزرنا چاہتا ہوں. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. آج کل تو ہمارے گھروں کی حالت بھی باہر آتی ہے کہ ہمارے گھر کی بھوے جو شادی ہو چکی ہوتی ہے وہ غسل کرتی ہے تو ساس پھینکتی ہے, بیچاری مجبور ہے. رات میں شوہر کا تقاضا ہوتا ہے اور صبح میں ساس کا ستانا ہوتا ہے. بیچاری اگر ساس سے ڈر کر پورا دن غسل کے بغیر رہے, طہارت کے بغیر رہے, تو پھر سب کا وبال اس ساس پر آئے گا.
एक मरतबा एक गांव को गया कर्नाटक के, वहां जाने से पहले पता नहीं कि मेरा नंबर कैसे फैल गया, एक अल्लाह की बंदी का फोन आया कि हजरत आप आ रहे हैं हमारे गांव को? जी आ रहा हूं। बस हजरत अभी क्या बोलना की बोलो, लेकिन ये उसूल के कुछ बात बोलो हजरत की बात, इसलिए कि हमारी सास है ना, अल्लाह वो सास आपको देख तो फिर दे। हैदराबाद में सास है नहीं है? हमारे बेंगलुरु में पेपर निकलता साला, उसमें एक मरतबा इतवार के एडिशन में सवाल आया, सबसे खुश नसीब औरत कौन है? मैं भी सवाल पर थी सोचा नीचे शायद हजरत खदीजा का नाम आएगा, हजरत आयशा का नाम आएगा, क्योंकि अफजल तरीन औरतों में से है, लेकिन आया कि सबसे खुश नसीब औरत हव्वा, वो भी बहुत बेहतरीन उम्मत की माँ है, पूरी इंसानियत की माँ। उसके नीचे सवाल आया क्यों, उसके नीचे जवाब आया इसलिए कि उसकी सास नहीं थी। कुछ बात समझ नहीं, जुमले मेरी माँ मेरे पर्दे में बैठी हुई है, उनकी खिदमत दर्ज करना चाहता हूं कि जिस घर के अंदर सास माँ बन जाती है, जिस घर के अंदर सास माँ बन जाती है, उस घर के अंदर बहू बेटी बन जाती है, जिस घर के अंदर बहू बेटी बन जाती है, उस घर के अंदर सास माँ बन जाती है, जिस घर के अंदर सास माँ बन जाए और जिस घर के अंदर बहू बेटी बन जाए, तो उसी घर को जन्नत का टुकड़ा कहते हैं। जिस घर में सास माँ नहीं बनती, जिस घर में बहू बेटी नहीं बनती, क्या कमाल है कि माँ का माँ बनना, क्या कमाल है कि बेटी का बेटी बनना, कोई कमाल नहीं, बेटी का बेटी बनना कोई कमाल नहीं है, माँ का माँ बनना कोई कमाल नहीं है, कमाल तो सास का माँ बनना है, कमाल तो बहू का बेटी बनना है। जिस घर के अंदर बहू बेटी बन जाए और जिस घर के अंदर सास माँ बन जाए, उस घर की मोहब्बत को कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं कहता हूं उस घर के चंद लम्हात भी जन्नत के मजे के बराबर होते हैं। और जिस घर के अंदर सास माँ बनती नहीं और जिस घर के अंदर बहू बेटी बनती नहीं, वो घर बेटे के लिए जहन्नम का टुकड़ा, शौहर के लिए जहन्नम का टुकड़ा। पर्दे में बैठी हुई अगर जवान बच्चियां ही जो मेरी बहनें हैं, शादीशुदा है, तो उनसे कहता हूं कि सास को माँ समझो, समझना क्या है माँ। हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया, जो भी बहू हो वो सास को सास ना समझे, बल्कि ये सोचे ये वो औरत है जो मेरे शौहर की जन्नत है। ये बूढ़ी मामूली औरत नहीं, ये बूढ़ी वो औरत है जिसके कदमों तले मेरे शौहर की जन्नत है। घर आधा सवर जाएगा और जिस घर के अंदर बहू है, उस बहू के बारे में सास ये सोचे कि ये मेरी सिर्फ बहू नहीं है बल्कि मेरे पोता और पोतियों की जन्नत है, आधा घर और की जन्नत बन जाएगा। ये खास थाली नहीं बसती ना, दो हाथों की जरूरत पड़ती है, तब जाकर आवाज निकलती है, एक इनकलाब आता है। तो गर्ज मेरे दोस्तों बात बहुत दूर तक जा रही है, मैं अर्ज कर रहा हूं आपके सामने, माशरती जिंदगी को भी सामने रखकर एक अच्छी जिंदगी बनाओ, करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। अर्ज कर रहा था आखिरी दिन खियामत का, उससे पहले कोई दिन आखिरी नहीं। एक औरत ने उस दिन फोन करके मुझे पूछा, आखिरी चौशंबे को हजरत में आज नहा सकतूं क्या? मैं बोला नहा सकते हैं, इसलिए कि नहाने पर किसी को रोकना नहीं,
ये गाँव को गया तो वहां की अल्लाह की बंदी ने मुझे फोन किया और कहा कि आज आप आ रहे मौलाना। जी आ रहा हूँ। मौलाना आप क्या बयान करते वो आपकी मर्जी है, जरा गुस्ल के मसाइल बोलो और गुस्ल पर रोक लगाने के बारे में कहो। मैंने पूछा कि बेटा, उसने कहा कि हजरत हमारी सास भी अजीब सास है कि बेटी दामाद आकर नहाते हैं तो सास कुछ नहीं बोलती, लेकिन मैं नहाती हूँ तो अफसोस है कि पूरा दिन चिड़चिड़ाती रहती है। ये है माहौल में, शादीशुदा हो या बालिगीन हो, कभी किसी को गुस्ल करने में ना रोको। वजूहात तो असबाब अलग अलग होते हैं, कभी छोटों को बड़ों के सामने असबाब और वजूहात बयान करने में शर्म महसूस होती है। इसीलिए उलमा ने साफ फतवा दिया है कि अटैच बाथरूम रखना ज्यादा एहतियात और ज्यादा शर्म की बात है। और ये बात समझ में, अटैच बाथरूम पहले जमाने में घर बड़े रहते थे, ये टाउन ये गिरोह है नहीं, कुत्ता ये गर्मी का घर होता था। अब है ना चिड़ियों के घोंसले, 300 स्क्वायर फीट में गंदी थी घर देखा मैं। मेरी बहन जी बोली कि भैया घर लेना बोलकर हूं, जरा आओ देखो। मुझे घर में भैया पुकारते हैं तो मामा को भैया पुकार, चल बेटे जाकर देखेंगे। 340 स्क्वायर फीट में एक बेडरूम, ये माफ करना एक हॉल, दो बेडरूम, एक किचन, एक अटैच बाथरूम, कैसा बना कि इंजीनियर। तीन सौ चालीस पर 540 पर 6 स्क्वायर फीट की जगह में दो बेडरूम का घर बंदा लिया है मौलाना। मैं मेरी भांजी को बोलिया बड़े खुश नसीब बेटे तुम्हें, लिड़को गिरने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तुम लगा लड़ेंगे नहीं। सोए तो दो चीजें होते ना, या तो बड़बड़ाते नहीं तो लिड़ते। बाजों को बड़बड़ाने की आदत होती, बाजों को लिड़ने की आदत होती। हैदराबाद में दो आदतें भी नहीं रहेंगे, बाजों को नींद में बड़ा बड़बड़ाने की आदत रहती, बाज लोग तो दांत भी चापते कि ये तो दिन भर खाते ना, वो रात में गाया बकरे जुगाल करे सगा कर लगो रहते आवाज तक आता। बाज लोग बड़बड़ाते। एक मियां बीवी डॉक्टर के पास गए, कहते जाने के बाद बीवी डॉक्टर के बारे में, बीवी शौहर के बारे में डॉक्टर से बोली, कहते डॉक्टर साहब हमारे शौहर को अजीब और गरीब मर्ज है। क्या मर्ज है? पूरी रात बड़बड़ाते। डॉक्टर बोले, कहते दवा की जरूरत नहीं, सिर्फ एक काम करना है तुमने, क्या दिन में उसे बोलने का मौका दे और रात में बड़बड़ाना नहीं। उसे दिन में तुम्हें बोलने का मौका नहीं देते, बेचारे को रात में मौका मिला तो रात में बड़बड़ा रहा है। रात में या तो बड़बड़ाते या नहीं तो लिड़ते। अब लिड़े तो आदमी लिड़ते लिड़ते कभी कभार सोता इधर उठता उधर, पता नहीं सर। मैं एक मर्तबा कलकत्ता जा रहा था, रात के 2-3 बजे अचानक धड़ाल सी आवाज आई, पूरा डब्बा उड़ गया। कहा डब्बा पटरी से नीचे उतर गया कि बोलकर जल्दी 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 लाइटा लाइटा सब डाले। समझ में नहीं आया क्या आवाज क्या आवाज क्या आवाज। गार्ड्स भी आ गए, देखे तो अपर बर्थ में रहने वाला लिड़को नीचे गिरा है। हमें उड़ गया, उड़े उठा दिए। हमें उड़ गए, उड़े उठकर नहीं है। पहले जमाने में घर बड़े होते थे तो कौन कहां कब जाता है, कहां से आता है पता नहीं चलता। इस जमाने में छोटे छोटे घर होते हैं, दिनों रात की जरूरियात होते हैं। इन बातों को बेकार न समझो। अल्लाह के घर के सामने किबले की तरफ चेहरा रखकर मैं किताबों की
की बातें आपके सामने बयान कर रहा हूं। ये छोटी छोटी वो बुजुर्ग बातें हैं जो हमारे माशरे में पल रहे हैं, हमारे घरों में पल रहे हैं। इसकी इस्लाह होने की सख्त जरूरत है। इसकी जब इस्लाह हो जाएगी बड़े मसाइल आ जाएंगे, हल हो जाएंगे। इसीलिए उलमाए किराम ने साफ तौर पर लिखा है कि कमरों के साथ अटैच बाथरूम का रहना भी एहतियात से ज्यादा है, बल्कि आहवत है और शर्म के लिए बहुत मुनासिब है। इसका कोई सबूत है कि अटैच बाथरूम रखने का कोई सबूत है? इसलिए कि मुसलमान घर की जिंदगी गुजारे, के दुकान की जिंदगी गुजारे, के मदरसे की जिंदगी गुजारे, के मस्जिद की जिंदगी गुजारे, किसी भी लाइफ की जिंदगी गुजारे, वो अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार नहीं सकता जब तक कि उसके पास कोई दलील ना हो, क्योंकि हम दलील के बगैर काम नहीं करते। क्या कमरों के अंदर अटैच बाथरूम बनाने का कोई सबूत है? अल्लाह ताला उलमाए किराम की नजरों पर, अल्लाह ताला उलमाए किराम की नजरों को कैसी बनाया? हम लोगों को चाहिए कि उलमा की नजरों पर कुर्बान हो जाए। अटैच बाथरूम के लिए भी सबूत पेश किया कि पैगंबर दो आलम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्दियों के सीजन में रात में अपने कमरे में एक छोटा सा प्याला रखते थे, अगर कभी पेशाब की जरूरत आई तो उसी कमरे में उस प्याले में आप अपनी जरूरत पूरी फरमाकर सुबह को वो प्याले का पेशाब अपने हाथों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले जाकर किसी दूर जगह पर डालकर आते। मज़ाहिरे हक में लिखा हुआ है कि कमरे के अंदर एक प्याला पेशाब के लिए रखना, यही तो अटैच बाथरूम है। अगर ये ना होता था, फिर सबूत ना मिलता, तो बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि किसी औरत ने मुझसे पूछा कि हजरत क्या मैं आज ना गुसल कर सकती हूँ? मैंने कहा कि जरूरत है तो गुसल कर ले। उसने कहा कि नहीं हजरत, हमारे अम्मी आज गुसल करने को बोल रही। मैंने कहा कि क्यों मना कर रहे? नहीं, आज आखिरी चाशुम्बा कते, औरत आओ गुसल करे तो हमाम में मुंडी हलती कते। बोला गुसल को भी आखिरी चाशुम्बे को भी मुंडी को भी क्या ताल्लुक है? कौन की गुड़गे को मारे तो हम क्या फूटेगा थे? तो खर्ज मेरा दोस्तों, आखिरी दिन वल्यौमिल आखिर, आखिरी दिन कियामत, साथ का तर्जुमा क्या? एक तर्जुमा कियामत का है और मैंने यहां तर्जुमा नहीं किया। اِذَا جَادَ لَهُمْ لَا يَسْتَأْقِرُونَ السَّاعَةَ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، یہاں میں ساعت کا ترجمہ قیامت بھی نہیں کیا، یہاں ساعت کا ترجمہ سال بھی نہیں کیا، یہاں ساعت کا ترجمہ گھنٹا بھی نہیں کیا، یہاں ساعت کا ترجمہ دن بھی نہیں کیا، یہاں ساعت کا ترجمہ منٹ بھی نہیں کیا، یہاں ساعت کا ترجمہ سیکنڈ بھی نہیں کیا۔ اس لیے کہ مفسرین کرام نے فرمایا کہ ساعت اس کم وقت کو کہتے ہیں کہ उससे कम कोई वक्त ना हो। एक जमाने में एक मिनट था, उससे कम वक्त को मालूम करने का कोई आला नहीं था। बातें चलते चलते सेकंड को मालूम किया गया। एक सेकंड कम वक्त था, उस जमाने में सेकंड को साथ कहा जाता है। अब और दुनिया तरक्की कर चुकी है, साथ को एक घंटे को सात मिनट में तकसीम करे, एक मिनट को सात सेकंड में तकसीम करे। अब देखिए वक्त को तहकीक करने वालों ने इतनी गहराई में उतर कर तहकीक किया, एक सेकंड को सौ हिस्सों में तकसीम कर दिया। इसीलिए मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं अब यहां साहत का तर्जुमा एक सेकंड का भी नहीं कर सकते, साहत का तर्जुमा एक मिनट का नहीं कर सकते, बल्कि साहत का यहां तर्जुमा एक सेकंड के जो सौ हिस्से होते हैं, सवा हिस्सा जो वक्त होता है, वो वक्त भी मौत मोहलत रही देती, वो वक्त भी मौत मोहलत नहीं देती। डरे तो भी मौत आती, ना डरे मौत आती, चाहे मौत आती ना चाहे मौत आती, बीमार रहे मौत आ जाए, बीमार ना रहे मौत आ जाए, मौत से डरने की घबराने की जरूरत नहीं। बात क्या कर रहा था? अरबी जुबान, काबिल जुबान, मुकम्मल जुबान, अजमल जुबान, अहसन जुबान, अफजल जुबान और सबसे अकीर और बाकी रहने वाली जुबान है म
मरने के बाद सबसे पहले इंसान की जुबान बदल दी जाती है, लैंग्वेज बदल जाती है, खबर में जाने के बाद। अरबी जानने वाला हो कि अरबी ना जानने वाला हो, दोनों सूरतों में फरिश्ते आकर एक मुर्दे से मय्यित से सवाल जो करेंगे, चाहे वो तेलंगाना का हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश का हो, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, चाहे वो अमेरिका का हो के फ्रांस का हो के जापान का हो के चाइना का हो, सवाल करेंगे अरबी में, जवाब देना पड़ेगा किसमें, अरबी में। मर रब्बुक, जरा वक्त दो, मैं एक बहुत अहम बात करना चाहता हूं आपसे, इसलिए मुकदमा चल रहा है मेरा। सवाल क्या होगा, मैं रब, तेरा रब कौन है? अंग्रेजी में जवाब दोगे माई गॉड्स अल्लाह, फरिश्ते कहेंगे आई डोंट नो। मैं नबी, मैं मैसेंजर मोहम्मद रसूलुल्लाह, फरिश्ते पूछेंगे क्या कह रहा है, अरबी में जवाब देना, रब्बी अल्लाह नबीयुना मोहम्मद दीनी अल इस्लाम, अल्लाह ताला हम तमाम के जुबान में जवाब आसान कर दे। ये भी दुआएं करो, अल्लाह खबर में सवालात का जवाब आसान कर दे। किसी जनाजे की नमाज में शरीक हो तो उसके लिए सबसे पहले ये दुआ करो कि ऐ अल्लाह ये खबर पे जाएगा तो तन्हा रहेगा, अब इससे सवाल होगा, इसके सवालात पर तेरी मदद और नुसरत अता फरमा, तुम्हारी दुआ उसके लिए मदद बन जाएगी, अल्लाह मदद बना देगा। हम जैसे लोगों को जवाब सादा सीधा देना पड़ता है, आशिकान को औलिया को जवाब इश्क के अंदाज में देना पड़ता है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने ख्वाब में देखा और पूछा कि हजरत क्या हुआ कब्र का मसला, हजरत ने फरमाया आसान हो गया। कैसे हजरत, सवालात कैसे हुए, जवाब कैसा हुआ? बहुत अच्छा हुआ, मेरे पास फरिश्ते आए, आकर कहने लगे मर रब्बुक, मैंने जवाब रब्बी अल्लाह नहीं दिया बल्कि मैंने पूछा कि तुम कहां से आए हो, फरिश्तों बाज लोग बड़े करामती होते। मैंने बचपन में एक लतीफा पढ़ा था, झूठा झूठ बोल को ऐसी आदत होगी, कहते खबर में भी झूठ बोले आगे, फरिश्ते आपको पूछा गया मर रब्बु, कहता कितने मरतबा बोलना, सो बार बार आते ही जाओ सोने दो, फरिश्ते पूछे कहते कहा कितने, तुम्हारे से पहले जो जना आपको कहना, वो फरिश्ते चले गए कहते अल्लाह पहले से तू भेज रहा है, बोला तो फिर कहीं को भेज रहा अल्लाह, उन्हें गर्म हो रहा मेरे ऊपर, फरिश्ते बोले कहते अल्लाह बोला कहते उन्हें तुमने भी धोखा दिया, तुमने भी धोखा दिया, क्या उसे डायरेक्ट मेरे पास पकड़ ले करा, पकड़ ले करा है। अल्लाह पूछा कहते मेरे फरिश्तों को भी धोखा क्यों, अल्लाह तेरे डर से दिया, खबर को आकर भी मेरे से डरिया, हाँ अल्लाह जा मैंने तुझे इस डर की वजह से माफ कर दिया। ये सुन लो, तुम्हें बोलने की कोशिश करो लोगो, क्या वक्त होता कि वो किसी किसी का बेड़ा किसी किसी बहाने पार हो जाता है, नकल करे तो हर वक्त कामयाब नहीं हो सकते, कभी नकल में कामयाब हो जाते हैं कभी नकल में गिरफ्तार भी हो जाते हैं, हर वक्त ये उसूल नहीं होगा, उसूल और औकात और लम्हात बदलते रहेंगे। तो गर्ज में अर्ज कर रहा था, हजरत पीरा ने पीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के कब्र में फरिश्ते आए, आकर पूछे मर रब क्या अब्दुल कादिर, है अब्दुल कादिर तेरा रब कौन है, हजरत अब्दुल कादिर जीलानी अलैहि रहमा महबूब सुभानी अलैहि रहमा उनका मकाम तो बहुत बड़ा था, उन्होंने फरिश्तों से पूछा कि जवाब तो बाद में दूंगा, ये पहले बताओ कि तुम कहां से आए हो, तो फरिश्तों ने कहा हम सातवें आसमान
سے آئے ہیں، بتاؤ کہ وہاں سے لے کر یہاں تک کی مسافت کتنی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اے عبد القادر، پہلے زمین سے لے کر پہلے آسمان تک کی جو مسافت ہے اس کی ڈبل پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت ہے، دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان کی اس کی ٹرپل مسافت ہے جس کا آج تک کوئی اندازہ نہیں لگایا۔ تو پھر حضرت عبد القادر جیلانی نے کہا، پہلے تم کو کہنا پڑے گا کہ تمہارا رب کون ہے۔ تو فوراً فرشتے کہتے ہیں، ہم ہی کو الٹا سوال کر رہے ہو، چلو تم بہت بڑے اللہ والے ہو، تمہارے سوال کا جواب ہم پہلے دے دیتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ تو حضرت عبد القادر جیلانی نے کہا، چلو چلو صاحب، ہزاروں لاکھوں کروڑوں کلومیٹر اوپر سے نیچے اتر کر جب تم اللہ کو نہیں بھولے، میں 6 فٹ اتر کر کیسے بھول سکتا ہوں؟ میں 6 فٹ اتر کر کیسے بھول سکتا ہوں؟ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا، اللہ اکبر کبیرہ، جانتے نہیں جانتے رابعہ بصریہ کو؟ نہیں جانتے، بنگلور میں ہی نہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، کیا ہوا خبر کا مسئلہ؟ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ فرشتے آئے تھے مجھ سے پوچھے، مر رب کی، تیرا رب کون ہے یا رابعہ؟ اے رابعہ، تو میں نے کہا کہ مجھے کیا پوچھتے ہو کہ میرا رب کون ہے؟ رب کو جا کر پوچھو کہ میں کون ہوں۔ یہ عاشقانہ جواب ہوتا ہے، اس مقام پر پہنچے تو انشاءاللہ تعالی میں بھی کہہ سکتا ہوں، آپ بھی کہہ سکتے ہیں۔ نمازیں چھوڑ کر ایسا آرگومنٹ قبر میں نہیں کر سکتے، قرآن چھوڑ کر ایسا آرگومنٹ قبر میں نہیں کر سکتے، جھوٹ بول کر ایسا آرگومنٹ قبر میں نہیں کر سکتے، داڑیاں گنڈا کر ایسا آرگومنٹ قبر میں نہیں کر سکتے، وقت موبائل کو سارا دے کر ایسا آرگومنٹ قبر میں نہیں کر سکتے، چہروں سے نقاب اور سروں سے دوپٹہ اور آنچل نکال کر خبر میں ایسا آرگومنٹ نہیں کر سکتے، تجارت میں ڈنڈی مار کر خبر میں ایسا آرگومنٹ نہیں کر سکتے، بہنوں کی پراپٹی دبا کر خبر میں آرگومنٹ ایسا نہیں کر سکتے، اذانوں کا حق چھوڑ کر خبر میں آرگومنٹ ایسا نہیں کر سکتے۔ خبر میں اگر فرشتوں کے ساتھ اس قسم کی بات اگر کرنا ہے تو اس مقام تک پہنچنا پڑے گا، اگر وہ مقام تک نہیں پہنچے تو پھر ہم کو سادہ سیدھا جواب دینا پڑے گا۔ اس پر بھی میں کہنا چاہتا ہوں، سادہ سیدھا جواب دینے کے لیے بھی کم سے کم ہمارے پاس ایمان ہونے کی ضرورت ہے، اگر یہ ایمان نہ ہو تو پھر قبر میں فرشتوں کے تینوں سوال پر کہنے پر مجبور ہو جائے گا انسان، لا ادری لا ادری لا ادری، میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا۔ میرے شیخ خطبِ عالم حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامن برکاتہم فرماتے، جن کے خلیفہ کا ابھی آپ نے خطاب سنا تھا، حضرت مولانا احمد ونیس صاحب دامن برکاتہم حضرت شیخ کے خلفاء میں سے ایک خلیفہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے فیوز و برکات کو عام فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دعاؤں میں ہمارا حصہ عطا فرمائے۔ حضرت شیخ نے فرمایا کہ خبر کے تین سوالات کا جواب اگر زبان سے نکلنا ہے تو تین کام کرنا پڑے گا۔ زبان سے اگر اللہ بول کر نکلنا ہے تو ہمارا ایمان مضبوط ہونا، زبان سے محمد الرسول اللہ اگر نکلنا ہے تو نبی کی سنتوں پر عمل کرنا، زبان سے اگر ہمارے یہ نکلنا ہے کہ ہمارا دین اسلام ہے، دینی الاسلام، تو ہم کو دین کے تمام تقاضوں کو پورا کرنا پڑے گا۔ جو دین کے تمام تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، خبر میں اسلام کے لفظ کو بھول جائے گا، جو نبی کی سنتوں پر عمل نہیں کرتا، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام زبان سے نہیں نکلے گا۔ اور ایمان کمزور ہو، توحید کمزور ہو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہو اور شرک میں مبتلا ہو، تو پھر اللہ کا نام زبان سے نہیں نکلے گا اور تینوں سوال کے جواب پہ لا ادری لا ادری کہتا رہے گا۔ غرض، خبر میں جاتے ہی سب سے پہلے کیا زبان بدلے گی؟ عربی زبان آ جائے گی۔ اس سے پہلے ہم جس ماحول میں رہتے ہیں اسی ماحول میں ہم کو ہماری زبان استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اب جو موجودہ حکومت چل رہی ہے نا، کوسی مقدس حکومت، جن کے دو بزرگوں کا چرچا ساری دنیا میں ہو رہا ہے، سمجھ میں آئی بات ہے؟
ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ فوراً ان کو ختم کر دے. چھتیس گڑھ میں ابھی قریب میں کسی کو مسلمان کو گرفتار کیا گیا اور تیسرے دن ہائی کورٹ میں وہاں گیا, سٹی کورٹ میں اسے پیش بھی ہوا اور اسے رہا بھی کر دیا گیا. انہیں بھی یہی بد دعا دی, اللہ ان کو ختم کر دے, اللہ ان کو ختم کر دے. ابھی آج کل تو واٹس ایپ کا زمانہ ہے نا, دعاؤں کو بھی ریکارڈ کر کے واٹس ایپ کر رہے ہیں, بد دعا کو بھی ریکارڈ کر کے. تمہیں دعا کرنا تمہاری جگہ دعا کرو, بد دعا کرنا تمہاری جگہ بد دعا کرو. دعا کرنے پر بھی کوئی قانون سر پر نہیں ہے, بد دعا کرنے پر بھی قانون نہیں ہے. میرے پاس ایک زقیم کتاب ہے, کہ اسلام اور مسلمانوں کو دشمنوں کو بد دعا کرنے کی اجازت ہے؟ صاف صاف اجازت ہے. یہ جو کہتے ہیں نا پیغمبر نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی, بالکل غلط بات ہے. اپنے ذات پر پیغمبر نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی. جو اسلام کو, قرآن کو, نبی کی نبوت کا انکار کیا, پیغمبر نے برابر اسے بد دعا دی. کیا ابو لہب کو بد دعا نہیں دی؟ ابو لہب کے بچوں کو بد دعا نہیں دی؟ ابو جہل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں دی؟ صحابہ کرام نے دشمنوں کو بد دعا نہیں دی؟ برابر جہاں آپ کو دعا کرنے کی اجازت ہے وہاں بد دعا کرنے کی بھی اجازت ہے. شرط یہ ہے کہ جسے آپ بد دعا کرتے ہیں وہ حقیقی ظالم ہو. حقیقی ظالم ہو. آپ دعائیں کرو, بد دعائیں کرو, جیسے الحمدللہ ہماری دعا قبول ہوتی ہے ہماری بد دعا بھی قبول ہوتی ہے. اتقی دعوت المظلوم, علماء کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں, بغیر ثبوت کے بات نہیں کرتا. اتقی دعوت المظلوم, مظلوم کی بد دعا سے بچو. دعوت کے دو ترجمے آتے ہیں, سلا جیسے بدلے گا ترجمہ ویسے آئے گا. ایک عربی گرامر بتا رہا ہوں, علماء کرام جانتے ہوں گے, سلا جیسے ہوگا ویسے ترجمہ ہوگا. اتقی دعوت المظلوم, یہاں دعوت کا ترجمہ دعا نہیں بلکہ یہاں دعوت کا ترجمہ بد دعا ہے. اس لیے کہ اتقی کا سلا اگر دعوت آتا ہے تو وہاں ترجمہ دعا کا نہیں آتا, بد دعا کا آتا ہے. پیغمبر نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو. اگر بد دعا کرنا ناجائز ہوتا تو پیغمبر مظلوم کو کہتے کہ بد دعا نہ کر, مظلوم کو بد دعا کرنے کی اجازت ہے. میرے رب کی قسم, بیچ میں حالات کو لا کر داخل کر رہا ہوں کہ اس ملک کے 35 کروڑ مسلمان اس وقت مظلومیت کے دور سے گزر رہے ہیں. 35 کروڑ مسلمان متفق ہو کر اگر دشمنوں کو بد دعا کرتے تو آج یہ حالات کبھی کے ختم ہو جاتے. افسوس کہ ہم لوگ نہ دعا کرتے نہ بد دعا کرتے. بد دعا کرے تو اچھے آدمی کو بد دعا کرتے, اما بچہ کو بد دعا کرتی, شوہر بیوی کو بد دعا کرتا, بیوی شوہر کو بد دعا کرتی, دوست دوست کو بد دعا کرتا, اپنے اپنوں کو بد دعا کرتے ہیں. ماں باپ اپنے بچوں کو بد دعا نہ کرے, بچے ماں باپ کو بد دعا نہ کرے, شوہر بیوی کو بد دعا نہ کرے, بیوی شوہر کو بد دعا نہ کرے, دوست دوست کو بد دعا نہ کرے, دشمنوں کو بد دعا کرو. بد دعا کرنا بھی ایک طاقت ہے. جہاں تلوار ایک طاقت ہے, تیر ایک طاقت ہے, ریوالور ایک طاقت ہے, تو دعا بھی ایک طاقت ہے, بد دعا بھی ایک طاقت ہے. پیغمبر کے دو حدیثوں کو جمع کر کے اگر کہا ہو جاؤ کروں میں, تو چار قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی دعا ہو کہ بد دعا ہو, اللہ تک پہنچنے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. روزدار کی دعا اللہ تک ڈائریکٹ پہنچ جاتی ہے, ماں باپ کی دعا اللہ تک ڈائریکٹ پہنچ جاتی ہے, ظاہر منصف بادشاہ کی دعا اللہ تک ڈائریکٹ پہنچ جاتی ہے. اور چوتھی چیز بد دعا ہے جو مظلوم کی بد دعا ہے, جسے فرشتے چک نہیں کرتے, وہ ڈائریکٹ اللہ کے عرش کو چلے جاتی ہے اور اللہ کا عرش ان کی بد دعا کو پہنچتے ہی لرزنے لگتا ہے. میرا رب عالم الغیب و شہادہ ہو کر بھی پوچھتے کہ اے عرش تو کیوں لرز رہا ہے, تو عرش کہے گا, کہتا ہے کہ اے اللہ تیرے ایک مظلوم بندے کی بد دعا مجھے لگ
گئی یعنی چھو گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی عرش کے واسطے سے پوچھے گا میرا مظلوم بندہ کیا چاہتا ہے پوچھ, تو عرش پوچھتا ہے اس بددعا کو, بددعا وضاحت کرتی ہے, تو اللہ تعالی عرش کو گوارا کر کہتے ہیں اے عرش تو گوارے میرے مظلوم کی بددعا میں نے سن لی اور ظالم کو میں برباد کر دیا. میں نہیں کرتے دو مہینے اور ڈھائی مہینے کے اس عذاب کو سامنے رکھ کر ہم بد دعا کرنا تو کتنا کر سکتے. قرآن میں موسیٰ کی بد دعا فرعون کے لیے ہے, 24ویں پارے میں اٹھا کر دیکھو, ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو بد دعا دی, تالوت نے جالوت کو بد دعا دی. اللہ تعالیٰ سے نہ حالات کو سامنے رکھ کر دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو حالات کو سامنے رکھ کر نہ بد دعا کرتے ہیں. کرو آرام سے, اجازت ہے, کونے کونے بیٹھ کر اللہ انکل کو ختم کر ڈالا. دیکھو آمین بولے گا حسری, آمین بولو. میرا میرے رب کا راستہ رشتہ ہے, میں میرے رب سے میرے اللہ سے جو چاہے کہہ سکتا ہوں, یہ ہماری آستہ ہے. میں کسی کو کہوں میرے دوست عبد الرحمان شریف صاحب کو یا نہیں, مولانا اسماعیل کو کہا جاؤ بھائی جا کر ٹرمپ کو مار کر آؤ تو یہ میرے اوپر ریئیکشن ہو سکتا ہے. کسی انسان کو کہوں کہ مار دے تو اس پر میرا مقدمہ واقع ہو سکتا ہے, لیکن کائنات کے خالق کو میں کہہ دوں کہ پروردگار فلاں کو تو قدم کر دے تو پھر میرے اوپر کوئی مقدمہ نہیں, کیونکہ وہ ذات ہے میں ہوں. ظلمت میں اپنے نور کا جلوہ اتار دے, جلوہ اتار دے. بولو بھی کہتی بھی کیا بولا یہاں, شاباش. ظلمت میں اپنے نور کا جلوہ اتار دے, سے بولو. ظلمت میں اپنے نور کا جلوہ اتار دے, جلوہ اتار دے. یا رب تو رحمتوں کا فرشتہ اتار دے, فرشتہ اتار دے. اتار دے, فرشتہ اتار دے. اس ملک کی زمین کا مسلمان ہے پریشان, مسلمان ہے پریشان. اس ملک کی زمین کا مسلمان ہے پریشان, مسلمان ہے پریشان. فرعون آ گیا ہے تو موسیٰ اتار دے, تو موسیٰ اتار دے. فرعون آ گیا ہے تو موسیٰ اتار دے, تو موسیٰ اتار دے. دعاؤں سے اچھے نتیجے نکلتے ہیں. حضرات علماء بیٹھے ہوئے ہیں, ان تک یہ بات پہنچی ہوگی, دلی کے الیکشن اور دلی کے نتیجے کے وقت ایک بہت بڑی جماعت حضرات علماء کرام کی مسجدوں میں اعتکاف کیا, گھروں کے اندر عورتیں اور بچے رمضان المبارک کی طرح برابر روزہ رکھ کر دعا کی ہے. میں تو آج پہلی مرتبہ یہ بات کہہ رہا ہوں,
मजमा क्या है, कैसा है, मुझे उससे कोई वास्ता नहीं है, लेकिन बात को मैं दिल्ली तक पहुंचाना चाहता हूं और मेरे रब की जात पर मुझे भरोसा है, वो अगर आवाज पहुंचाना चाहे तो जरूर पहुंचा कर रहेगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब खाने काबा की ताबीर किए, दुआ किए, अल्लाह का हुक्म नास आया, वो अज़िन फिन्नास बिल हज्जी अतू करी जाला, ऐ इब्राहिम मेरे बंदों को हज की दावत दो। अकेले इब्राहिम और इस्माइल थे, वादिया गैर ऐसे जरा दूर दूर तक कोई इंसान नहीं। हजरत इब्राहिम बशरियत के तकाजे को सामने रखकर कहा कि ऐ अल्लाह अगर मैं हज की दावत दूं, हज के लिए बुलाऊं, तो मेरी आवाज कौन सुनेगा, ये सामने रहने वाले वादिया और पहाड़ों तक मेरी आवाज पहुंचेगी, उससे ज्यादा उनके शाम और फलस्तीन और इराक में रहने वाले लोगों तक आवाज कैसे जाएगी। अल्लाह ने अपनी पूरी कुदरत को पेश दिया और कहा कि इब्राहिम पुकारना तुम्हारा काम है, तुम्हारी आवाज को जहां पहुंचाना वहां पहुंचाना मेरा काम है। उलमा ने लिखा है कि अल्लाह ताला ने इब्राहिम की आवाज को उस वक्त के जिंदा इंसानों तक ही नहीं पहुंचाया, आइंदा चलकर पैदा होने वाले इंसानों की अरवाह तक पहुंचाया, अरवाह तक पहुंचाया। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आवाज को सुनकर जिन्होंने लबैक कहा, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अल्लाह ने अपने घर का दीदार अता फरमाया। यहां तक के तफासीर में लिखा है अगर किसी ने एक मर्तबा लबैक कहा तो एक मर्तबा हज नसीब हुआ, अगर किसी ने दो मर्तबा कहा तो दो मर्तबा, किसी ने तीन मर्तबा कहा तो तीन मर्तबा। वो भी मिसाल में आपको देकर समझाऊं, कभी अब्बा बुलाते हैं बेटे मुज़म्मिल तो वक्त कभी रहता अरुबा, कभी पुकारते बेटे मुज़म्मिल आरो 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 आरो, बोलते नहीं बोलते तीन चार मर्तबा आरो 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 आरो, निकलता नहीं निकलता है, वैसे अरवाह के जुबान से भी निकल गया लबैक 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 निकल गया, जिसके जुबान से जितनी मर्तबा निकला उतनी मर्तबा हज नसीब हुआ। यहां तक कि मेरे शेख ने लिखा है कि एक बुजुर्ग हुजूर की उम्मत में, हुजूर की उम्मत से हुजूर से पहले पांच लोगों ने 100-100, 200-200, 300-300 हज भी किए हैं, लेकिन हुजूर की उम्मत में एक बुजुर्ग ऐसे भी हैं कि जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में 80 हज किए, हज उम्रे नहीं हज। और मैं आपको पर सभी ले तस्करा एक बात भी बता दूं, आप में से अल्लाह ताला सबको हज मबरूर अता फरमाए, जियारत रसूल अता फरमाए। समझ में आई बात है, जब भी आप हज को जाएंगे या उम्रे को जाएंगे, आखिरी मर्तबा जब आप हरम पाक से निकलेंगे, आखिरी तवाफ से फारिग होकर, चाहे हज के मौके पर हो या उम्रे के मौके पर, आखिरी तवाफ से फारिग होकर जब आप दर्द भरी निगाहों से काबतुल्लाह को जब देखेंगे, तो खुदा की कसम पता नहीं है कि रोना क्यों आता है। और वो भी बता दूं कि रोना इसलिए आता है कि काबतुल्लाह के दरो दीवार से मुसलमानों का ताल्लुक यानी इंसानों का ताल्लुक बहुत गहरा है, कशिश कहते हैं इस ताल्लुक को। काबा भी मिट्टी से बना, इंसान भी मिट्टी से बना, मिट्टी मिट्टी के दरमियान में एक अजीब किस्म की कशिश और मोहब्बत होती है, जाते हैं तो मुलाकात के आंसू निकलते हैं, वापस आते हैं तो रुखसती के आंसू निकलते हैं। दोनों वक्त भी रोना आता, आता नहीं आता, दो तीन साल हो गए देखकर, 10-15 मिनट में बात खत्म कर देता हूं, 2-3 साल हो गए देखकर, ऐसे आदमी को अगर देखने का मौका मिला तो मुलाकात में रोना आता नहीं आता। यही आपके हैदराबाद के एयरपोर्ट में एक मर्तबा मैं आकर उतरा, मुझे बिदर जाना था, मेरे साथियां कार लेकर आने में देर कर दिए, मैं बाहर अरेवल में निकल गया, वरना अंदर बैठता था, बाहर निकला तो एयरपोर्ट तो आपका हैदराबाद का बड़ा अच्छा है और उससे अच्छा हमारा बेंगलुरु का है, मैं कहीं को बेंगलुरु को गिरा तो हैदराबाद के एयरपोर्ट में कसीर तादाद में मुसलमान आते जाते हैं, और मैं बेंगलुरु वाला तमाशा देखने की बड़ी ख्वाहिश, देखा तो अरेवल में औरतें मर्द बने सब, एक काफिला छोटा तकरीबन 25-30 हजरात का,
एक दूसरे को लपट कर ऐसा रो रही, बेंगलोर वाला तमाशा देख को आदत, एक औरत एक मर्द बने को लपट कर ऐसा रोई, पूरा एयरपोर्ट देखा। मैं भी अभी कार आने तक मैं क्या करूं, मैं भी खरीद जाकर देखा क्या होगा क्या ना, ये आदमी चाया की बॉडी आई थी देखा तो नहीं, दोनों लपट कर रो रही, बेहयाई देखो कितनी है, रोना का तो क्या पैसा क्या रोते। अब मैं बेंगलुरु की जुबान में पूछता कहीं को भी रो रही सो, मुझे जवाब गलत मिलता। हैदराबाद को आते 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 जरा हैदराबाद का अंदाज भी आ गया मुझे। एक साहब को पूछा क्या है मियां ऐसा कहीं को रो रही, उन्हें अल्लाह का बंदा समझा, इन्हें भी हाँ वाला जिसे बोलना जरूरी बोलकर, नहीं बोल साहब वो जीजा जी खतर से आए ना तीन चार साल के बाद, वो हमारे बहन नाना मुलाकात करके रो रही। मैं बोलिया जाको आई तो ऐसा रो रही, चले जा तो कितना रोंगी मैं जाकर आई तो चले जा, मुलाकात पे भी रोना आता है, विदा पर भी रोना आता है। अल्लाह अकबर कबीरा, काबतुल्ला से निकलते वक्त आंखों से आंसू आते हैं। उलमा ने लिखा है कि आखिरी तवाफ उम्रे का हो कि हज का, तवाफ से फारिग होकर निकलते वक्त काबतुल्ला की दीवार पर कुरान पाक की एक आयत लिखो अनकबूत की, इन्नल्लज़ी फ़र्ज़ अलैकल कुरान लराद्दुका इला माद। ये आयत की तासीर ये है कि जो काबे के दीवार पर उंगली से खलम से नहीं उंगली से ऐसे ही इन्नल्लज़ी, जबर जेर डालने की भी जरूरत नहीं, नुक्ते डाले थे भी चलता नहीं डाले थे भी चलता, क्योंकि पहले अरबी जुबान को बगैर नुक्तों के तक समझते थे, चलते चलते लोगों का दिमाग कमजोर हो गया तो जबर जेर के मोहताज हो गए, फिर जबर जेर की जरूरत पड़ी है तो इन्नल्लज़ी ऐसा फरादा अलैकल कुरान लराद्दुका इला माद। इस आयत की तासीर पर उलमा फरमाते हैं कि काबे के दीवार पर जो इस आयत को लिखता है अल्लाह तबारक व ताला फिर एक मर्तबा उसकी जिंदगी में आने का शरफ अता फरमाते हैं। इस पर बहुत सारे ताजे वाकियात भी हैं लेकिन इस वक्त कहने का मौका नहीं। वो बुजुर्ग जो 80 साल बराबर आते थे इस आयत को लिखते थे, आखिर आखिरी मर्तबा जान बूझ कर छोड़ दिया, काबे से कहने लगे कि देख कर कहने लगे कि ऐ अल्लाह कब तक तो तेरे घर ही को बुलाता रहेगा, अब मैं नहीं लिखूंगा तो खुद अपने पास बुला ले। ये मोहब्बत की इंतहा होती है, अल्लाह वालों को मौत प्यारी होती है। तो अर्ज में अर्ज कर रहा था हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम जब आवाज लगाए तो अल्लाह ताला ने अरवाह के कान तक पहुंचा दिया बात को, मैं बराबर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर तक इस बात को पहुंचाऊंगा, इवीवन के दौर में तुम्हारा आना कोई मामूली बात नहीं, और ये तुम न समझो कि तुम आए हो तो तुम्हारी पावरफुल हुकूमत का असर है, बल्कि मैं अल्लाह के घर के इस इहाते में बैठकर आने वाली खबरों को देखकर सुनकर पढ़कर कहने पर मजबूर हूं कि केजरीवाल साहब तुम आए हो तो ईवीएम के और मरकजी हुकूमत के पावरफुल चल रही है, ऐसे वक्त में अगर तुम आए हो तो सिर्फ इस मुल्क के मजलूम मुसलमानों की दुआओं से आए हैं। रोजे रखे सदखात दिए मुसलमान, अल्लाह बहुत हो गया जालिम का जुल्म, अब इसको ठिकाने पहुंचाने की ताकत का एक बिल्कुल आखिरी हिस्सा है तो तेरे पास है, वरना तेरी ताकत इन कमजोरों के मुकाबले कहां कहां थू और कहां ये। लेकिन परवरदिगार तेरे मुकाबले में इनकी कोई हैसियत नहीं, लेकिन इस वक्त हमारे मुकाबले में ये अपने पावर को दिखा रहे, हमारे हाथों को बांट दिए, हमारी जुबानों को बांट दिए, बल्कि हमारी सोच को बांट दिए, हमारी नागरिकता को बांट दिए। परवरदिगार आलम
अगर इन लोगों का ये जुल्म चलता रहा और तू रोक नहीं लगाया परवरदिगार, तो फिर इस मुल्क में तेरी मस्जिदों के मिंबरों मेहराब को, गुम्बदों मीनार को भी निशाना बना लेंगे और इस मुल्क के मदरसों के गेटों पर दरवाजों पर ताले पड़ जाएंगे। इस मुल्क में तेरे औलिया के मजारात की बेहुर्मती होगी। इस मुल्क में तेरे बंदों के दाढ़ियों को निशाना बना लिया जाएगा, टोपी और टुपटों को निशाना बना लिया जाएगा। इस मुल्क में तेरा नाम लेने वालियों और तेरे नबी पर, तेरे नबी का कलमा पढ़ने वाली माँ और बहनों के इज्जत और आबरू, निकाब दुपट्टे और उनके पुरखों को निशाना बना लिया जाएगा। सी डबल ये लाने का एक मकसद क्या है? ये मकसद कुरान बयान करता है। मैं क्या बयान करूं मेरे दोस्तों, मुझे 5 मिनट दे दो, मैं आपको जगाने के लिए जगाने वाली आयत को पेश किया। अगर तुम हालात को देखकर नहीं जागोगे, हालात को देखकर नहीं समझोगे, हालात को गौर से नहीं सुनोगे, मैं कहूं तो मेरे गिरेबान की पट्टी पकड़कर उतार दोगे। अल्लाह का कलाम कहता है, लहुम कुलूबुल ला यफकहून बिहा व लहुम आयुनुल ला युबसिरून बिहा व लहुम आज़ानुल ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनआम, ऐसे लोग जानवरों की तरह होते हैं, बल हुम अज़ल, बल्कि उससे भी बदतर होते हैं। वो उलाइका हुमुल गाफिलून, ये गफलत में पड़े हुए हैं। ऐसे लोगों को जागना बहुत जरूरी, ऐसे लोगों को जागना बहुत जरूरी है। एनआरसी को अपनी जगह पर छोड़ो। सी डबल ये लाने का मकसद क्या है मालूम? وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا. सुनो, सी डबल ये का मकसद और उनकी मक्काई का जवाब 1450 साल पहले मेरे और आपके आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाला कलाम देता है। क्या बेहतरीन कुरान का मोजिजा है! इसी को तो कहते हैं कि कुरान आज भी जिंदा है। एनआरसी सीडबल लाने का मकसद क्या? लाने का मकसद यह है कि हम तहकीक करेंगे, अगर तुम्हारे पास सबूत न मिले तो तुम हिंदुस्तानी रहकर भी हम तुमको हिंदुस्तानी नहीं मानेंगे। और सबूत कितने साल पहले का होना? 70 साल पहले का होना। अंकल राफेल की फाइल नहीं मिल रही है तुम्हें, पढ़े सो कॉलेज की टीसी नहीं मिल रही है, 3 दिन पहले तो तुम्हारे लैपटॉप से आसाम के एनआरसी का डेटा डिलीट हो गया, और हमारे से पूछ रही 70 साल पहले तुम्हारे बाप दादा कहां पैदा हुए, सबूत पेश करो। मैं एक लतीफे के हवाले से आपको हौसले देता हूं, अगर कोई आकर आपके बाप दादा का पैदा होने का सबूत पूछे तो साफ बोलो, मैं पैदा कहां हुआ मेरे से सबूत पूछो, बाबा दादा कहां पैदा हुए उनसे जाको सबूत पूछो। क्या हजरत बराबर? हमारे दादा कहां पैदा हुए? एक पोता परेशान होकर सोने को थागते, एनआरसी के टेंशन में, ख्वाब में दादा आ गए, पोते का चेहरा देखकर पूछेंगे थे, क्या लाल की रे तेरी सूरत ऐसी होगी, खाना खाता नहीं क्या? नहीं दादू, टेंशन में तुम ना मालूम ना, मैं कम खाने का ज्यादा खाता हूं, मुसलमान टेंशन में आए तो खाना छोड़ते नहीं, अभी जरा ज्यादा खाते, ज्यादा खाते हो दादू, फिर सूरत की रे उतर को, क्या दादू तुम्हें जाने का चले गए, क्या हमारे ऊपर मुसीबत थी, तुम्हें पैदा हुए सो सब सबूता पूछना, कहते रखो तू भी जाना था, तुम्हें कहाँ रखे वो भी मालूम नहीं। तो दादा बोलिया कहते पोते के सर में हाथ, कई को टेंशन लेता बेटे, कौन सबूत पूछता कि मेरे पास भेज डाल, मैं जवाब दे लेता। जागो, हाथ जोड़ कर कहता हूं जागो,
ये केक की तरफ इशारा करके कहता हूं जागो। जागने का मतलब आंखें खोलना नहीं, यहां जागने का तर्जुमा क्या, अपने गुनाहों से बचकर अल्लाह और उसके रसूल के हवाले हो जाओ। जब तुम अल्लाह और उसके रसूल के हवाले होंगे तो तुम्हारे अंदर एक ऐसी एनर्जी आएगी, ऐसे फिरौन का मुकाबला करने की ताकत आएगी। जागे जा मुसलमान सवेरा हुआ, जागे जा मुसलमान सवेरा हुआ, दूर सारे जहां से अंधेरा हुआ। जागे जा मुसलमान सवेरा हम वफादार हैं इस चमन के हम हकदार हैं। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। जाने न जाने गुल ही न जाने हाल हमारा जाने है। सारा बाग जाता है, ये दाबाग के दरख्त जानते हैं, इसकी टहनियां जानते हैं, पत्ते जानते हैं। अगर नहीं जानते तो माहाना और सालाना बाद में आने वाले फसलों के ये छोटे छोटे वक्ती फल जानते नहीं, और इन फलों को मालूम हो जाना चाहिए। दरख्तों की तरह बाग में तुम हमेशा नहीं रहोगे, कोई ना कोई कभी ना कभी आकर तोड़ेगा। अगर कोई न तोड़े तो ऐसी हवा आ जाएगी, टूट कर तुम खुद गिर जाओगे। अगर कोई न तोड़े, तुम्हारा कोई खरीदार ना हो, तो फिर आसमान से फैसले होंगे, एक ऐसी हवा चलेगी, वो हवा तुमको टूट कर गिरने पर मजबूर कर देगी। अगर कोई तोड़ता तो कम से कम तुम किसी दुकान के हवाले होकर कोई खरीदार हो जाता। अब तो तुमसे ये उम्मीद भी नहीं है कि कोई तुमको तोड़ेगा, बस हवा ही तुमको तोड़ कर खाक में मिला देगी, कोई झाड़ू वाला झाड़ कर तुमको बाहर कर देगा। आजकल झाड़ू पे बड़ा कमाल है, कोई झाड़ू वाला झाड़ का बाहर करेगा। कचरों को रखा नहीं जाता, फेंका जाता है, और फेंकने के लिए कचरे को अपने बाग से, कचरे को अपने चमक से, कचरे को अपने माहौल से, कि अपने घर से या खिले से बाहर करने के लिए तोपों की, न्यूक्लियर की, बंदूकों की, तलवारों की जरूरत नहीं पड़ती, झाड़ू की जरूरत पड़ती है। हैदराबाद में करने के बजाय अगर मैं ये बात, ये तकरीर दिल्ली में करता तो कम से कम MLC बना डलता केजरीवाल। हम किसी कुर्सी के मोहब्बत में कोई बात नहीं करते, हम मुल्क की हिफाजत में बात करते हैं। कोई मगरूर हो जाए ये उसको कब गवारा है, कोई मगरूर हो जाए ये उसको कब गवारा है। तकब्बुर की बुलंदी से भी जिल्लत से उतारा है, जो 56 इंच का सीना बताते थे जमाने को, जो 56 इंच का सीना बताते थे जमाने को। खुदा का कहर तो देखो
उसे झाड़ू ने मारा है। दुआएं करो, बद्दुआएं करो, हालात बदलने में देर नहीं लगी। हमें दुआ भी नहीं करती, बद्दुआ भी नहीं करते। करो जालिमों को बद्दुआ, खुदा अंजाम तक पहुंचाएंगे। वक्त को जाये होने न दो। बात बहुत दूर तक और जरूरी चले गई। मैं अर्ज कर रहा था कि अरबी जुबान अबदी जुबान है, कब्र में जाने के बाद ही लोगों की जुबान बदलेगी। लेकिन आजकल कुछ लोग कहते हैं कि हमारे मुल्क से तमाम जुबानों को खत्म कर दिया जाए और सिर्फ एक जुबान रखी जाए, वो भी क्या कहते हैं, हिंदी रखना कहते हैं। सबको खत्म कर, सारी दुनिया में हमारी मुल्क की शान ही क्या, 126 जुबानें बोली जाती है यहाँ, 1600 जुबानें बोली जाती है यहाँ पर। कितनी जुबान है? 1600 जुबानें बोली जाती है। और दूसरा रुख भी देखिए कि ये दो बुजुर्ग ऐसे ही जिनको 1600 जुबानों में गालियां मिल रही है। क्या बोला इस्माइल साहब, बात सही कह रहा हूं? जरा जोर से मुंडी हिलाए तो मैं गया तो तुम ना भी लगो जा सकते हो। तो बस हमको बदलना पड़ेगा, हालात को बदलना पड़ेगा। इस्लाह का एक तर्जुमा ये भी है कि हम अपने आमाल की जहां इस्लाह करते हैं वहां गफलतों से हिटाना भी एक किस्म की इस्लाह है। गफलतों से हिटाना भी एक किस्म की इस्लाह है। गफलतों से हिटो, मुल्क के तकाजों को सामने रखो, इत्तिहाद के साथ रहो, इत्तिफाक के साथ रहो। बड़े छोटे काले गोरे, ये पार्टी वो पार्टी के इम्तियाजात को खत्म करके ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह या इस्लाम के प्लेटफॉर्म पर एक होकर जमा हो जाओ। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अल्लाह तबारक व ताला हालात को बदलेंगे। डरने की कोई जरूरत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ हमको बदलने की जरूरत है। अल्लाह की मदद जरूर आगे रहेगी। वो भी कुरान कहता है वो अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही कामयाब होगे, तुम्हारे मुकाबले में कोई कामयाब हुआ भी नहीं और होगा भी नहीं। लेकिन शर्त यह है कि तुम अपने ईमान की आमाल की हिफाजत करो, हमारी मदद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। अल्लाह मुझे और आपको पूरी उम्मत को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वाकिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। لك الحمد لك شكريا الله اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وبصر لنا في دارنا وبارك لنا في رزقنا اللهم نذر قلوبنا بالإيمان وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اذل الشرك والمشركين والمبتدية واليهود والنصارى والمنافقين اللهم شتت شملهم اللهم مزق جمعهم اللهم دمر ديارهم اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر صلى الله تعالى على خير خلقه و...